हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज महेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग एनलेस स्ट्रेंथ। गाइस, आज हम बात करेंगे बाइसेप्स की एक बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज के बारे में, जो है बाइसेप्स हैमर कर्ल। गाइस, ये एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है, बट इसको करते हुए बहुत सारे लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो चाहे गर्ल हो या बॉय, दोनों के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे किस तरह की गलतियां लोग करते हैं और उन्हें ठीक किस तरीके से करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम एक्सरसाइज को गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, हमारी मूवमेंट गलत होती है या हमारा बॉडी का पोस्चर गलत होता है, तो उस केस में इंजरी के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं बाइसेप्स कर्ल या हैमर कर्ल की, तो हमें एल्बो टेंडनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, उस इंजरी से बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपने जिम के रूटीन को आगे फॉलो कर पाएंगे। तो आज की एक्सरसाइज में हमारा सेटअप और पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप अपनी चेस्ट को रखेंगे आप कोर को रखेंगे टाइट, और जो आपके पैर होंगे वो आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट, आपके शोल्डर के पैरेलल आपके पैर खुले होंगे। उसके बाद गाइस बात आती है कि डंबल को हमें कैसे पकड़ना है। तो डंबल को आप सेंटर से भी पकड़ सकते हैं या हल्का सा आप ऊपर की तरफ से भी डंबल को पकड़ सकते हैं, ग्रिप रखेंगे आप टाइट। अब बहुत से लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं यहां से, बट आपको एक्सरसाइज को शुरू करना है डंबल को थोड़ा सा आगे, एल्बो को आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। ये अब ये मेरी एल्बो आगे आ गई है, मेरे डंबल हवा में हैंग हो गए हैं, इससे मेरी एल्बो एक जगह फिक्स रहेगी और मेरी जो मसल है उस पे जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा आएगी। लाइक अब मैं इसको अगर परफॉर्म करूंगा इस तरीके से और डाउन भी मैं यहीं तक जाऊंगा, मुझे पूरा पीछे नहीं जाना है। अब बहुत से लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये इसमें मेरा शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है और कॉन्ट्रेक्शन मेरी मसल पे प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। तो इसको जब आप परफॉर्म करेंगे डंबल्स को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, उसके बाद आप इसको परफॉर्म करना शुरू करेंगे और वापस भी आप यहीं तक ले जाएंगे, पूरा रेस्टिंग मोड में अपने हाथ को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम यहां तक लेके आते हैं तो हमारा हाथ रेस्टिंग मोड में चला गया, हमारी मसल रेस्टिंग मोड में चली गई है। बट पूरे सेट के दौरान अगर हम टेंशन में रखना चाहते हैं मसल को, जिससे मसल ज्यादा ग्रो करे, तो उसके लिए आपने डंबल को थोड़ा आगे किया, एल्बो को आगे आपने थोड़ा सा किया, उसके बाद ऊपर लेके गए, देन डाउन, डाउन आप यहीं तक लेके आए। अब इसमें गाइस सेकंड मिस्टेक जो आती है वो आती है रेंज ऑफ मोशन की। बहुत सारे लोग फुल रेंज ऑफ मोशन में इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, वो करते हैं इसको ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो हाफ रेंज ऑफ मोशन है। फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए आपको पूरा ऊपर लाना है, देन अगेन नीचे अपनी सेम पोजिशन में, पूरा ऊपर देन नीचे यहां तक। तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन है, फुल रेंज ऑफ मोशन में आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। और थर्ड बात आती है इंसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक मोशन की। लाइक जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव फेस होता है, ये हमारा नेगेटिव फेस होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मोशन और इसको बोलते हैं इंसेंट्रिक मोशन। तो हमारी मसल पे जितना लोड कॉन्सेंट्रिक मोशन में आता है उतना ही हमारा इंसेंट्रिक मोशन में आता है। तो अगर आप इंसेंट्रिक मोशन को स्लो परफॉर्म करेंगे तो उससे आपकी मसल पे ज्यादा टेंशन होगी, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन आएगा और आपका मसल ग्रो ज्यादा जल्दी करेगा। तो हमें करना क्या है, डंबल को पूरा ऊपर लेके गए और जब नीचे लेके आ रहे हैं इसेंट्रिक लेके आ रहे हैं तो स्लो लेके आ रहे हैं इस तरीके से, अप देन डाउन स्लो, ये। तो ये मूवमेंट आपको रखनी है जिससे आपके मसल पे टेंशन ज्यादा से ज्यादा है। अब इसके बाद आती है बात ब्रीदिंग पैटर्न की, कि हमें ब्रीदिंग पैटर्न किस तरीके का रखना है जब हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो जब मैं एक्सरसाइज को परफॉर्म करूंगा तो ऊपर जब जाएंगे तो यहां पे हल्का सा मैं डंबल को होल्ड करूंगा, अपनी मसल को स्क्वीज करूंगा और ब्रीद आउट करूंगा, देन डाउन, डंबल होल्ड, मसल स्क्वीज, ब्रीद आउट, देन डाउन। जब नीचे जाता है डंबल तो हमारी मसल स्ट्रेच होती है और जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें मसल को स्क्वीज करना होता है। तो यहां स्क्वीज, होल्ड, ब्रीद आउट, देन डाउन। तो गाइज, आज हमने देखा कि हमें हैमर कर्ल किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। तो गाइज, इसमें मैं हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हमें सिर्फ एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना है, हमें उस एक्सरसाइज के पूरे बेनिफिट भी लेने हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और आपको रिजल्ट्स ना आए तो कुछ टाइम के बाद डीमोटिवेशन आ जाती है और बंदे को लगता है कि शायद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बट वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते कि शायद मेरी मूवमेंट में कुछ कमी है जिसकी वजह से मेरी मसल ग्रो नहीं कर रही है। तो गाइज, हमें अपनी एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है जिससे कि हमारी मसल ग्रो करे, हमें पूरा फायदा मिले जो हम मेहनत कर रहे हैं।
तो इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊं, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।